यदि हमें बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर मतलब जैसे कि यदि हम आप इसे प्रिंट करोगे तो वैसे ही ब्लैंक में सादा पेपर में दिखेगा, बॉर्डर मतलब आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, चारों तरफ जैसा ऐसा बना होता है ये बॉर्डर चारों तरफ नहीं दिखेगा। तो ये ऐसे ब्लैंक प्रिंट यदि कभी निकालेंगे तो ऐसे ब्लैंक निकलेगा। हमें चाहिए बॉर्डर लगाना, तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या होता है कि हम तो पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लेके गए और शिफ्ट दबा करके राइट एरो दबाते जाएंगे, फिर डाउन एरो दबाते जाएंगे, शिफ्ट को दबाए रखेंगे, तो ये हमें सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यदि बॉर्डर लगाना है तो हम तो एक है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ बॉर्डर और ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे, ये एक तरीका ये है, कंट्रोल जेड कर देते हैं बैक क्या। अभी यदि हम चाहते हैं कि फिर से ये शॉर्टकट की हो तो आपको क्या करना है, अल्ट अल्ट जो बटन मैंने बताया है अल्ट दबाएंगे, अल्ट दबा करके एच दबाना है, एच दबा के बी दबाना है और ए दबाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है, कंट्रोल जेड मैंने दबा देता हूँ कि पहले से। अब ये अल्ट का क्या यूज़ है, अल्ट का ये है कि शॉर्टकट की याद होता है इससे, अल्ट आप जैसे ही दबाएंगे आप देख सकते हैं ये सारे शॉर्टकट की ऑटोमेटिक बन जाते हैं ऊपर में। तो आपको अल्ट दबाने के बाद एच दबाना है, तो एच मतलब होम पे जाना है, तो होम पे हमने गए, फिर उसके बाद पूछता है कि होम से क्या है, हमने ये बॉर्डर देखा था तो बी, तो एच के बाद बी दबाना है, बी हमने प्रेस कर दिया। अब इसमें बहुत सारा चीज़ें पूछता है कि बॉर्डर साइड बॉर्डर होना चाहिए, ऊपर वाला बॉर्डर होना चाहिए, पूरा थिक बॉर्डर होना चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर होना चाहिए, नो बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर नहीं है, राइट बॉर्डर होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, ऑल बॉर्डर होना चाहिए, तो ए दबाता है। ए जैसे ही दबाएंगे ये ऑटोमेटिक देखें कि शॉर्टकट की याद रखने का या कोई भी करने का एक ही तरीका है, अल्ट दबाएं, उस पर ऊपर में सारे दिख जाएंगे, उससे आप कर सकते हो इसको, तो ये बॉर्डर हो गया। अब ये बढ़िया लग रहा है ये देखने में भी।